आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे फॉर्मल होके बात कर रही हूँ? हाँ, फॉर्मल थोड़ी सी हूँ क्योंकि सब दूर दूर लग रहे हैं मुझे। छठ का कोई वैसा कान में गूंज नहीं रहा है गीत, वो शोर, वो गुल, वो हल्ला गुल्ला, शॉपिंग, आज कितना कुछ हो रहा होगा घर पे, है ना? मेरे घर का छठ गांव में किसी को दिया गया है क्योंकि माँ इस बार नहीं कर रही है, पिछले 2 साल से नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं पटना में नहीं हूँ। अदरवाइज मैं दुनिया का कोई भी त्यौहार मुंबई में हर शहर में मना सकती हूँ, लेकिन एक छठ पूजा है जिसमें मैं बिहार ही जाती हूँ। बिहार मुझे यूँ खींच लेता है क्योंकि बिहार में ना जो बिहारी हैं उनको तो पता ही है, जो बिहारी नहीं है मैं उनको बता रही हूँ कि पूरे बिहार में ना हवा बदल जाती है। वो जो गर्मी से सर्दी का ट्रांजिशन होता है और वहाँ पे हर कोने से एक छठ का गुनगुनाता हुआ गीत, म्यूजिक, साउंड ऐसे ऐसे बजता रहेगा। हाँ, बड़ा सूदिंग सा, वो वैसे वाला नहीं डिस्को, वो बिल्कुल नहीं। छठ का एक अलग धुन और गीत होता है जिसको हम पूरे साल नहीं गाते, सिर्फ छठ में ही गाते हैं। और जितने भी ये जो तफरी मारने वाले लड़के होते हैं ना, जो सड़क पे एकदम और क्या है वे टाइप जो घूमते हैं, जो पूरे साल ऐसे घूमते हैं, एक छठ पूजा ऐसा है कि वो उस टाइम पे कोई सड़क पे झाड़ू लगाता हुआ दिखेगा, कोई पानी डालता हुआ दिखेगा, वो लोग इतनी सेवा करते हैं, कहीं पानी बट रहा है, कहीं सूप बांटते हैं, बहुत काम करते हैं वो लोग, जो पूरे साल लड़के लगता है कि अरे किसी काम के नहीं है, छठ पूजा में वो भी काम के लगते हैं और सच में बहुत काम करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि छठ त्यौहार बिहार के घर घर में हर लड़के लड़की, बच्चे बच्चियाँ, चाचा चाची सबको बदल देता है। इस त्यौहार में इतनी खूबसूरती है। तो इस बार मैं यही हूँ मुंबई में, और पता है कल नहाए खाए था तो मैं बालकनी में थी और मेरे ऐसे कान दोनों बड़े बड़े ऐसे हो गए गणपति जी की तरह, इतने दूर फैल गए कि कहीं तो छठ का गीत बज रहा है क्योंकि कल नहाए खाए था तो गीत तो कल से चालू हो जाता है। तो पता तो नहीं चला पर्टिकुलर किस घर से हो रहा है, लेकिन आई थिंक मेरे अपार्टमेंट में कहीं तो हो रहा है। अगर नीचे पॉन्ड या स्विमिंग पूल में अर्घ देने कोई निकला तो ज़रूर मैं जाऊंगी, अदरवाइज बालकनी से मैं सूर्य भगवान की तो पूजा करूंगी। लेकिन आज खरना है यार, आज खीर नसीब हो जाए कहीं से। अभी तक तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है किस्मत में। बैग तैयार है, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। हर हफ्ते या हर 10 दिन पे मुझे डॉक्टर को अपनी आँखें दिखानी होती है। तो आज व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि कल मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, कल रेस्ट डे था। आज कुछ ना कुछ हम शूट करेंगे जो कि आपको कल देखने को मिलेगा। और भाई आज का व्लॉग होना भी छोटा ही चाहिए क्योंकि आज तो सिर्फ बधाई देना है मुझे, खरना की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इतना काम होता है ना घर घर में कि कोई व्लॉग नहीं देखने बैठेगा। अभी तक सोचो पीतल के बर्तन निकल गए होंगे, वो मांज रहे होंगे, खीर की तैयारी होगी, कितने घर में तो अभी ये अफरा तफरी होगी कि दूध अभी तक आया या नहीं आया, आज कम क्यों है, 2 kg और चाहिए, जुगाड़ लगा होगा। आज का जो खीर बनता है ना पूजा पे जो चढ़ता है वो पैकेट वाले दूध में नहीं बनता, वो जो होता है ना ग्वाले लेकर आते हैं खटाल से जो आता है डेयरी से, वो दूध में खीर बनता है। तो आज तो मस्त वाला काम होगा, इसलिए देखो रतन ने आप लोग का ख्याल रखा और आज व्लॉगिंग नहीं डाल रही हूँ मैं, नहीं आज स्टोरी नहीं डाल रही हूँ। तो कल हम मिलते हैं अपने स्टोरीज के साथ, तब तक आज खरना एंजॉय कीजिए। और जिनको छठ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है वो यूट्यूब पे जाकर पता कीजिए। अच्छा हाँ, मैं बताऊँ छठ के बारे में, पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मैं कल बताती हूँ छठ के बारे में, ठीक है? बड़ा ही साइंटिफिक, बड़ा ही खूबसूरत पूजा है और मेरा फेवरेट त्यौहार है, आई लव छठ पूजा। चलो आज के लिए इतना ही, मुझे पता है आप लोग एक्सेप्ट करते हो मेरे हर हरकतों को, तो ये भी एक्सेप्ट कर लोगे कि एक दिन का व्लॉगिंग मिस हो गया, ठीक है? कैसे बच्चों की तरह बहला रही हो ना आप लोगों को, पर यही सच है कि कल थोड़ा रेस्ट किया, आज मैं शूट करूँगी। सेल्फी स्टिक यानी कि मैं आज शूट
करने वाली। बाय बाय। अभी ये बाय बाय कर रही हो और झटपट झटपट आकर पीछे से कैमरा बंद करूंगी।